नमस्कार, मैं यश वर्ष स्वागत करता हूं आपका अभय न्यूज 10 दिसंबर शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में। आइए देखते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। चिमनगंज थाने के पटेल नगर में एक युवक की लाश घर में मिली है। पुलिस हत्या के आशंका में जांच कर रही है। युवक का शव डीकम्पोज हो रहा है। इससे आशंका जताई जा रही है कि उसकी मृत्यु 4 से 5 दिन पहले हुई होगी। युवक का नाम हिमांशु, पिता रमेश लालवानी है। 22 साल के हिमांशु और उसके पिता रमेश लालवानी मजदूरी करते हैं। दोनों अकेले रहते हैं। रमेश का पत्नी से तलाक हो चुका है। हिमांशु आवारा किस्म का था और उसके घर आने जाने का कोई समय तय नहीं था। 3 दिन से उसके पिता से उसकी मुलाकात तक नहीं हुई थी। पिता ने शुक्रवार को हिमांशु को फोन लगाया तो उसने फोन रिसीव नहीं किया। ऐसे में पिता ने कमरे पर जाके देखा तो बाथरूम में बेटे की लाश पड़ी हुई मिली। मौत को पुलिस संदिग्ध मान रही है। इसके चलते पुलिस डॉग भी बुलाया गया। वो घर से निकलकर कुछ दूर जाकर लौट आया। फिलहाल पुलिस ने शव पीएम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। पुलिस हत्या के एंगल पर मामले की जाँच कर रही है। नागजरी क्षेत्र के इंदिरा नगर कॉलोनी में अल सुबह नाली में एक दिन का मृत अवजात मिला है। आशंका है कि कोई इसे नाली में फेंक गया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। रहवासियों की सूचना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। श्री महाकालेश्वर मंदिर गर्भगृह में प्रवेश का समय प्रशासन ने तय कर दिया है। अब भस्म आरती के बाद से शाम 4:30 बजे तक श्रद्धालु गर्भगृह में जाकर बाबा के दर्शन कर सकेंगे। भीड़ बढ़ने पर श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया जाएगा, तब रसीद के मार्फत प्रवेश दिया जाएगा। महाकाल मंदिर प्रशासन ने 6 दिसंबर से गर्भगृह में प्रवेश शुरू किया है। करीब 20 माह बाद ये प्रवेश चालू किया गया है। इसके चलते मंदिर में रोजाना काफी श्रद्धालु आ रहे हैं। शुक्रवार को भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। इसके चलते सुबह कुछ समय के लिए प्रवेश रोका गया, हालांकि बाद में ये फिर से शुरू कर दिया गया। शनिवार, रविवार और सोमवार को मंदिर में ज्यादा भीड़ को देखते हुए गर्भगृह में दर्शन रोके जा सकते हैं। देवास रोड पर गुरुवार रात एक ऐसे टैंकर के चालक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में सिलारखेड़ी के पूर्व सरपंच की मौत हो गई। नरवर थाने के सिलारखेड़ी का पूर्व सरपंच हरि सिंह पिता अंबाराम परमार अपने दोस्त रामदेव परमार के साथ विवाह समारोह में शामिल होने उज्जैन आया था। यहां से वो बाइक से गांव लौट रहा था। अभिलाषा कॉलोनी के सामने तेज गति से एसिड से भरे टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में हरि सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रामदेव परमार घायल हो गया। पुलिस ने टैंकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बकाया जल कर वसूली और अवैध नल कनेक्शन को नियमितीकरण करने के लिए नगर निगम शिविर लगाएगा। ये शिविर 13 दिसंबर से शुरू होंगे और 22 दिसंबर तक शहर के अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। 13 दिसंबर को पटेल नगर मुनिनगर, 14 दिसंबर को रविशंकर नगर नानाखेड़ा शुद्ध श्री रेस्टोरेंट के पास, 15 दिसंबर को गौघाट राजीव रत्न कॉलोनी और विजय वर्गीय धर्मशाला कबीर नगर, 16 दिसंबर को छतरी चौक और कबीर नगर वसंत विहार के पास, 17 दिसंबर को केडी गेट व शंकरपुरा पवासा सावरिया ट्रेडर्स, 20 दिसंबर को वृंदावनपुरा गणेश मंदिर चौराहा और शंकरपुरा तिराहा बाट कुमेड रोड, 21 दिसंबर को फव्वारा चौक और ऋषि नगर एक्सटेंशन, 22 दिसंबर को ढांचा भवन टंकी के पास व सुभाष नगर टंकी के पास शिविर लगाया जाएगा। कार्तिक मेले के ऑर्केस्ट्रा कलाकारों ने गीत संगीत और गजलों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। सिंगर्स ग्रुप उज्जैन के कलाकार राजेंद्र खंडेलवाल और देवास के इकबाल खान ने गजलों की प्रस्तुति दी। कलाकारों का स्वागत जनसंपर्क अधिकारी अहमद रईस निजामी ने किया।
देश के पहले CDS बिपिन रावत और सेना जवानों की शहादत पर साईबाग कॉलोनी में श्रद्धांजलि सभा रखी गई। बेफिक्रे ग्रुप के बैनर तले ये सभा साई मंदिर परिसर में आयोजित की गई। दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से हुई शहादत पर शोक जताया गया और बिपिन रावत अमर रहे ये नारे भी लगाए गए। इस मौके पर जनरल बिपिन रावत के चित्र के समक्ष पुष्प चढ़ाए गए और उन्हें याद किया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कल हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में हमने अपने देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत और सभी शहीद भूमि वीरों को खो दिया। बेफिक्रे ग्रुप द्वारा साई मंदिर परिसर में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखी अब तक की कुछ खास खबरें। अपने जरूरी सुझाव हमें जरूर पहुंचाएं। नमस्कार।